नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। विजयदशमी दशहरे के दिन जो रावण दहन होता है, उनकी जो चीज़ें होती हैं, सामग्री होती हैं, जैसे राख है, लकड़ी है, इसका देवीय प्रयोग आप कर सकते हैं। पूरा साल आप ये लोग सोचते रहते हैं कि हम परेशान हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किया कराया बहुत है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, पता नहीं क्या क्या वहम आप डाल देते हैं अपने जीवन के अंदर। तो ये जो वहम होते हैं ना, ये भी बड़ा पीछा करते हैं। वहम भी आपको ढंग से जीने नहीं देते हैं। और वहम का इलाज क्या है कि उस वहम को ख़त्म कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। अब चलिए, ये वहम भी दूर करने वाला समय होता है। सबसे बड़ी बात है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, यानी कोई भी नकारात्मकता अगर उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे निकालेंगे नहीं, तो पॉजिटिविटी नहीं आती है। अब ये दशहरे के दिन आपका पॉजिटिविटी लाने का समय है, आपकी सारी नकारात्मकता को दूर करने का समय है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बताएंगे कि घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, ऐसे रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा कमाल का उपाय होता है। जो लकड़ी आप लेकर के आए वहाँ से, रावण के दहन के बाद की लकड़ी, अगली सुबह में भी ला सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी लकड़ी तो नहीं ले आइएगा, या फिर इंतज़ार कर सकते हैं तो रात तक का इंतज़ार करिए, तब आप जब शांत हो जाए अग्नि, तो उसकी छोटी सी लकड़ी ला करके उसे काले धागे में बांध करके, उसे पहले तो कपड़े में अच्छे से सिल लीजिएगा ताकि बच्चे को चुभे ना, और फिर उसे काले धागे से बांध करके एक लॉकेट की तरह आप उस बच्चे को पहना सकते हैं। या फिर उस अग्नि से बनी हुई राख, राख भी एक चुटकी राख ले आइएगा, और उससे आप घर ला करके बच्चे को तिलक भी कीजिए एक, और दूसरा आप उस राख को काले कपड़े में बांध करके यंत्र बना करके वो आप बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। हमारी माता जी ये स्पेशली करती थी। कभी भी हम जब छोटे थे, हमारी मदर ये काम करती थी, नुस्खे करती थी, और ये बड़े कारगर साबित हुए हैं। ये हमारे माँ ने खुद हमें बताया है कि ये बड़े कारगर साबित होते थे, कि जब बच्चे ज़िद करते थे तो ये सब करने के बाद ज़िद छोड़ देते थे बच्चे। चलिए, आप भी करने का प्रयास कीजिएगा। अब आती है कि घर की ऊर्जा। घर की ऊर्जा जब नेगेटिव होती है ना, तो इसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है, हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। चाहे उसके बिहेवियर में हो जाएगा, और चाहे उसके वर्क के ऊपर हो जाए, चाहे उसके हेल्थ के ऊपर हो जाए, यानी कभी बीमार रहने लगा कोई, यानी नकारात्मकता का प्रभाव आपकी हेल्थ भी डैमेज करता है, फाइनेंशियल भी आपको तोड़ता है, परेशान करता है। तो आपने नेगेटिविटी को, मैंने कहा ना, दूर रखना है। अब इसका प्रभाव अगर पूरे घर के ऊपर पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे पूरे घर का वातावरण, घर की एनर्जी, घर की सकारात्मकता उभर करके आए और नेगेटिविटी दूर हो जाए। आप इसे काले कपड़े में ही, लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं, लेकिन काले कपड़े में ज़्यादा आपको फायदा देगा। काला कपड़ा लीजिए, लकड़ी और राख, एक चुटकी राख और थोड़ी सी लकड़ी ये लीजिए, और कुछ दाने पीली सरसों के, इन तीनों को मिला करके एक पोटली बना करके घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर टांग दीजिएगा। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ नहीं, नज़र दोष तो बाहर से ही लगता है ना, तो बाहर की तरफ टांग दी। लेकिन ऐसे नहीं इतनी बड़ी पोटली बना कर टांग दे कि हंस पड़ोस सारा डरने लग जाए आपसे कि पता नहीं क्या टोटका कर देते हैं ये, ऐसे नहीं। थोड़ी सी एक छोटी सी चुटकी, आपने उपाय अपने लिए करना है, किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं करना होता। एनर्जी जो होती है उसका एक अलग सिस्टम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप इतनी सारी राख जो है वो ले आए तो उससे आपके लगता है कि नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। आप इतनी सी राख जो है
वो भी आपको काम करेगी। और इनफैक्ट आप थोड़ा सा जल में मिला करके, तो राख को जल में मिला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे भी आपको जो एक वहम ना भूत प्रेत ये डर वो साया पता नहीं क्या क्या, वो सारा दूर हो जाएगा। देखिए वहम का इलाज कर दीजिए। वहम का जो ये दिक्कत है ना, बीमारी ये बड़ी गहरी है, इससे आपकी कई सारी चीज़ें जो है ना खराब होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती रात को, डरावने सपने आते हैं, डरते हैं और घबरा करके उठ जाते हैं। ऐसे लोगों को ये लकड़ी जो है अपने पिल्लों के नीचे रख करके सोना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे डर करके घबरा करके उठ जाते हैं, बड़े बच्चे नहीं घबराते, बड़े आदमी नहीं घबराते, बड़ी औरतें नहीं घबराती। भाई सपना है, डर वाला आया तो कोई भी घबरा जाएगा, तो पसीने भी छूट जाते हैं बड़े लोगों को, कई बार हमने देखा है ये चीज़। तो आपने पिल्लों के नीचे ये रख देनी है लकड़ी को। इससे भी देखना आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी और प्लस आपको जो नींद है रात की बड़ी सुकून की आएगी। कुछ लोग बीमार अक्सर रहते हैं घर में, देखना आप उनकी बीमारियां जो है ना इस कदर है कि एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, यानी जो एक बॉक्स होता ना उनका मेडिसिन का बॉक्स, हर जगह एक साथ अटैची, चाहे उठाए ना उठाए मेडिसिन का बॉक्स लेकर के चलते हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा उपाय है, इसे आप कीजिएगा। उनको भी ये लकड़ी जो है एक हाथ में छोटा सा एक तावीज टाइप का बना करके आप इसे बांध लीजिएगा, या फिर उनके पिल्लों के नीचे आप रख दीजिएगा। इससे भी बहुत उनका रिलीफ मिलेगा, एक जो नेगेटिविटी होती है, एक डर होता है, वो खत्म होता है। अब देखिए बेजुबानों के लिए भी उपाय है। जैसे जानवर कोई बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, तो आप काले धागे में इस लकड़ी को बांधिए और उनकी टांग में बांध दीजिएगा, देखिएगा उनको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ये सारे उपाय कीजिएगा। और ये दशहरे के बड़े देवीय से उपाय होते हैं, साल भर आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, आपकी नकारात्मकता को दूर करते हैं, और आपके जीवन के अंदर आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें आनी होती हैं, जो रुकती हैं, बार बार रुक जाती हैं, वो रुकावटें भी आपकी दूर होती हैं। सो आपने ये दशहरे की वीडियो, जो विजयदशमी की वीडियो है, इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस उपाय को कर सके। सो वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।